गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। अब तक हम लोग मैथमेटिकल फ्लो चार्ट को काफी डिटेल में कर चुके हैं। आज और कल के सेशन में हम लोग बिजनेस और एरे कैटेगरी दोनों को देख लेंगे एंड द फ्लो चार्ट विल बी फिनिश्ड। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे आप लोगों के साथ आगे आप हमसे क्या चाहते हैं, उस तरीके की चीजें हम आपके लिए लाएं। तो शुरू करते बेटा आज का अपना सेशन, 14 सेशन विद कॉपी किताब, प्लेटफॉर्म इंडियाज लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ई बुक्स। बत्रा सर की बुक्स भी वहां पे रखी हुई हैं और इसके अलावा सीए के अलावा बेटा सीबीएसई बोर्ड की बुक्स और बहुत सारी और बुक्स भी वहां पे अवेलेबल है। हम एक टूर भी करवाएंगे लेटर ऑन आपको हमारे ऐप बत्रा सर ऐप का, जिसपे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं और बहुत सारी और भी आपके काम की चीजें पड़ी है। और कौन जुड़ गया है? विघ्नेश जुड़ गए हैं, वेरी गुड। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज हम जाने वाले हैं अगले सेशन की तरफ। क्या है सेशन? गो लाइव विथ फ्लोचार्ट सीरीज, लेक्चर नंबर 7 टुडे, लेक्चर नंबर 8 टुमारो, लाइव विद बत्रा सर ऑन कॉपी किताब प्लेटफॉर्म, इंडियाज लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ई बुक्स। इससे बड़ा कुछ नहीं है बेटा भारत भर में। 8 मिलियन एक्टिव यूजर्स है बेटा कॉपी किताब के पास में, और इस पेंडेमिक टाइम में बेटा कॉपी किताब और बत्रा सर आपके घर तक ला रहे बेटा सीए वर्टिकल की ये चीजें, जिसमें हमने बेटा अब तक 13 सक्सेसफुल वेबिनार्स में आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ईआईएस आईटीएसएम के बारे में काफी जानकारी दी है। और ये 7 सीरीज हमारी फ्लो चार्ट की कल होगी 8, जिसमें हम फ्लो चार्ट आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं। मैं भाग्यश्री से रिक्वेस्ट करूंगा हमारी कॉपी किताब टीम की डेप्यूटी सेल्स मैनेजर कि वो कॉपी किताब के बारे में कुछ जानकारी चैट बॉक्स में दे दें और हमारे ऐप के बारे में भी लिंक प्रोवाइड कर दें ताकि बच्चे उसे डाउनलोड कर सके। इट्स ए फ्री ऐप और बेटा इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप टेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा टेस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप अपने नॉलेज को चेक करिए हमारे टेस्ट प्रिपरेशन के साथ में, और सब चीजों के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हम आपको देंगे ऐप के ऊपर, थोड़े समय बाद आपको अनवेल करेंगे हम लोग। तो मैं होप करता हूं बेटा आपने हमारी पुरानी सारी सीरीज देखी होंगी। इस लाइव क्लास के बाद ये क्लास आपको बेटा अवेलेबल हो जाया करती है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जिसका नाम है प्रोफेसर जे एस बत्रा ईएसएसएम आईटीएसएम और इसका गुरु। वहां पे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और ये सारी चीजें हमारे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, सारी की सारी 13 सीरीजेस। तो जिन्होंने नहीं देखी हो वो जाके जरूर देखिए। आज हम उससे आगे चल रहे हैं अगली कैटेगरी बिजनेस, और कल हम ले लेंगे एरे को। वागीश्री ने अवेलेबल करवा दी बेटा डिटेल कॉपी किताब की, आप सब पढ़ सकते हैं चैट बॉक्स में। इट इज ए लीडिंग एजुकेशन कंपनी वर्किंग विद द मोटिव ऑफ मेकिंग एजुकेशन डिजिटली अवेलेबल एंड रीच एट द स्टूडेंट ओवर पैन इंडिया, पूरे भारत भर में। और इवन भारत क्यों बेटा, हमारी इन क्लासेस को मैंने देखा है दुबई के चैप्टर में जो सीए के बच्चे वो देखते हैं, नेपाल के चैप्टर के बच्चे देखते हैं, और इवन लंडन के बच्चे तक देखते हैं, बिकॉज दिस इज ए यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म। तो बेटा अब हम लोग कॉपी किताब के माध्यम से यूनिवर्सल हो गए, पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड हो गए बेटा। एंड प्रोवाइड देम बुक्स इन अफोर्डेबल प्राइस एंड इन द इजीली एक्सेसिबल मैनर। और आप देख के हैरान हो जाएंगे बेटा, ये जो चार्ट बुक में पढ़ा रहा हूं ना बेटा आपको, जिसमें से ये सारे सवाल कराए जाते हैं, ये अवेलेबल है बेटा वहां पे, ये अवेलेबल है वहां पे एट ए मियर प्राइस ऑफ 71 रुपीज। तो केवल 71 रुपए में अवेलेबल है डिजिटल फॉर्म में। आप डे एंड नाइट पढ़ सकते हैं, बुकमार्क लगा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, सारी चीजें बेटा आपको अवेलेबल है। तो बहुत ही कम प्राइस में बेटा आपको कॉपी किताब ये सारी चीजें आपके घर बैठे उपलब्ध करा रही है बेटा। जब कोई नहीं था दूर दूर तक, तब केवल बेटा कॉपी किताब था आपके घर तक, इस बात को आप भूलिएगा मत। क्योंकि आदमी अच्छे वक्त में किए गए काम को तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वे बुरे वक्त में जिसने साथ निभाया होता है उसको बेटा जिंदगी भर याद रखता है। तो इस पेंडेमिक टाइम में बेटा जब कोई नहीं था दूर दूर तक, तब बेटा कॉपी किताब ने ये बात सोची और बत्रा सर के साथ बेटा इस सीरीज लेके आए। और आपको पता है बेटा हम सीए और नॉन सीए वर्टिकल्स के काफी सारी चीजें कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे आपको पहले भी दे चुके हैं, और ये हमारी 14th लेक्चर है या 14th वेबिनार है विद कॉपी किताब। चलिए बेटा शुरू करते हैं। ऐप की भी बेटा लिंक दे रखी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक बेटा 686 डाउनलोड हो चुके हैं विद 4.9 रेटिंग, ऐसा भाग्यश्री बता रही है, और सब आप बच्चों के प्यार की वजह से संभव हुआ है।
तो बेटा ऐप का नाम है हमारे, जब भी आप जाएंगे तो आप ऐप पाएंगे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। गूगल प्ले स्टोर पे आप टाइप करिए बत्रा सर ऐप फॉर ऑल योर सीए प्रिपरेशन, क्लिक करेंगे तो फाउंडेशन से लेके फाइनल तक की सारी चीजें आपको नजर आएंगी। फाउंडेशन से लेके फाइनल तक है बेटा, केवल इंटरमीडिएट के लिए नहीं है, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक की सारी चीजें नजर आएंगी आपको। गुड इवनिंग विनय, गुड इवनिंग। हर्षवर्धन भी आ गए, विनय भी आ गए, रोहन कूल भी आ गए, क्या बात है। मानसी भी आ गई, रेडमी फोन का नाम भी आ गया, खुशी केसरी भी आ गई, बहुत बढ़िया बेटा। तो चलिए शुरू करें। हम ये मान के चलते हैं मैथमेटिकल फ्लो चार्ट आपने कर लिए हैं, और अगर आपने नहीं किए हैं तो मैं बता रहा हूं आपको, हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर जीएस बत्रा यूट्यूब पर आपको ये सारे के सारे वेबिनार मिल जाएंगे रिकॉर्डेड मोड में। चलिए चलते हैं आगे, आज पार्ट 7 है, कल पार्ट 8 है, फ्लो चार्ट विल फिनिश। आपकी नॉलेज के लिए बता दें हम लोग, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल कैटेगरी का हम कर चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्लो चार्ट एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। हर सवाल को हमने कई एंगल से चेक किया है, हर सवाल को हमने कई एंगल से चेक किया है। प्रद्युमन मौर्य, गुड इवनिंग बेटा। हर सवाल को कई एंगल से चेक किया बेटा, सवाल कैसे होता है, उसकी एल्गोरिथम क्या होती है, उसकी टेबल क्या होती है, उसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है, अगर फ्लो चार्ट दे दिया जाए तो उससे टेबल कैसे बनती है, ऐसे सब वेरिएशंस हमने किए थे कुछ लास्ट टर्न में बेटा। करीब 6 टर्न हमारी फ्लो चार्ट मैथमेटिकल को सिखाने में हमने यूज किए बेटा, आप तक पहुंचाने में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट सवाल हमने किया था, सेकेंड वन, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 50, इसको भी हमने अलग अलग वेरिएशन से किया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमने किया था बेटा, दो सेट ऑफ डेटा थे 15, 20, 35 और 30, इसको हमने स्वैप करके देखा था और इसकी टेबल बना के सीखा था बेटा। आज चल रहे बेटा उससे आगे, फोर्थ क्वेश्चन बिजनेस कैटेगरी, ये रहा बेटा सवाल आपके सामने। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा 2011 मई में, कब पूछा गया बेटा 2011 मई में पूछा गया है। मेरे ख्याल से बड़ा क्लियरली आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इज इट प्रॉपरली विजिबल, 2011 मई का क्वेश्चन है बेटा। और हमारे जो ये नोट्स हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसको हमारे बत्रा सर ऐप पे प्राप्त कर सकते हैं बेटा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं एट अ मियर प्राइस ऑफ 71 रुपीज, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और बेटा इनके बियॉन्ड का भी फ्लो चार्ट बाहर नहीं आता है। आई एम टीचिंग सीए स्टूडेंट सिंस लास्ट 31 ईयर्स एंड 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट्स हैव बीन गॉन बाय। बेटा 200 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक बच्चे ला चुके हैं, 75 से ज्यादा रैंक तो बेटा 1, 2, 3 पोजीशन की है, जिन्होंने 90 और 92 नंबर स्कोर किए हैं ओल्ड कोर्स सीए आईपीसी से आईटीएसएम और ईएसएसएम पेपर में, न्यू कोर्स में 20,000 से ज्यादा बच्चा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है जो इंडियन अब्रॉड में सर्व कर रहा है बेटा। उनमें से कई बच्चे इस समय पढ़ा भी रहे हैं और बेटा इस प्लेटफॉर्म पे भी हमारे कई बच्चे पढ़ा रहे हैं कॉपी किताब के साथ में, और हिंदुस्तान के दूसरे लीडिंग प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रहे हैं बेटा। और इसके साथ साथ मैं कहूं बेटा 800 चार्टर्ड अकाउंटेंट तो केवल मेरे शहर जोधपुर में ही सर्व करते हैं और उनमें से कुछ पढ़ा भी रहे हैं बेटा। तो ये जो लेगेसी है बेटा, इसको शेयर करने आए हम कॉपी किताब के साथ में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए बेटा मैं कहता हूं, जब बुरे वक्त में कोई साथ निभाता है तो उसके साथ को कभी भूलना नहीं चाहिए, कॉपी किताब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए बेटा। ये वो हिंदुस्तान का लीडिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसने सबसे पहले सोचा कि बच्चों को घर तक अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, और इसीलिए बत्रा सर को उन्होंने कहा कि सर हम आपके साथ वेबिनार शुरू करना चाहते हैं। और बेटा मैं भी ऐसे अवसर की तलाश में था, सो वी टुगेदर विद कॉपी किताब हैव डन दैट। और ये 14वां सेमिनार आप वेबिनार आप मेरा देख रहे हैं, फ्लोचार्ट की सीरीज का 7th है, कल 8th होकर हम फिनिश करेंगे बेटा इसको। तो सवाल देखें बेटा, मैथमेटिकल सवाल से कुछ अलग मिलेगा आपको। फॉर कंप्यूटिंग कस्टम ड्यूटी, ये बिजनेस से रिलेटेड होता है बेटा, इसलिए बिजनेस की बात होगी। ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे, टैक्स निकालेंगे, जीएसटी निकालेंगे, बिलिंग कैलकुलेशन करेंगे, तो इस तरीके की चीज होगी बेटा बिजनेस में, मैथमेटिक्स में सीक्वेंस हुआ करती है। सो पहला सवाल है, फॉर कंप्यूटिंग कस्टम ड्यूटी द इंपोर्टेड आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। द रेट फॉर ड्यूटी टू बी लोडेड ऑन ईच कैटेगरी इज गिवन एज बिलो। कैटेगरी जिसका वेरिएबल भी सवाल में दे दिया है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का सवाल है, मेरा नहीं है ये, मैं इंस्टीट्यूट का सवाल करवा रहा हूं।
कैटेगरी के लिए वेरिएबल है के। क्लास ऑफ गुड्स है पहला फूड एंड बीवरेजेस। परसेंटेज कस्टम ड्यूटी ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए भी वेरिएबल दे दिया वी। 10% ड्यूटी लगती है जब कैटेगरी वन होती है तो, ऐसा कहा जा रहा है हमें। कैटेगरी टू है जिसका मतलब टेक्सटाइल और लेदर गुड्स है, तो 15% की ड्यूटी लगानी है ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स वी पे। अगर कैटेगरी तीन है ऐसा कह रहा है हमारे को सवाल, हैवी मशीनरी, तो बेटा हम 20% ड्यूटी लगाएंगे ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स वी। और अगर चार है कैटेगरी, लग्जरी आइटम माना गया है उसको, तो हम 40% ड्यूटी लगाएंगे। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू कंप्यूट द कस्टम ड्यूटी, और बाकी का हिस्सा जो लिखा हुआ बाद में लेंगे अपन। तो बेटा इस सवाल को समझने के बाद क्या समझ में आ रहा है हम सब लोगों को, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दें क्या समझ रहे हैं हम लोग इस बात से। ऐसा एक बिजनेस कैटेगरी का सवाल इस बार बेटा जरूर एग्जाम में आएगा, मतलब आज और कल में बत्रा सर जो करा देंगे। और बेटा ऐसे सवाल जो आप हमारे बत्रा सर ऐप से डाउनलोड करके बुकलेट में पाएंगे डिजिटल फॉर्म में, उसी में से एक सवाल जरूर आएगा 6 to 8 marks, वेदर यू आर फ्रॉम ओल्ड कोर्स ITSM और न्यू कोर्स ASSM, यू विल बी गेटिंग 6 to 8 marks आफ्टर ओपनिंग द पेपर फॉर श्योर। आज तक बेटा बत्रा सर ने जो कराए सवाल कभी बाहर से नहीं आए, पिछले 31 सालों में नहीं आया, पिछले 62 सी एग्जाम अटेम्प्ट में नहीं आया, तो बेटा आपके भी नहीं आएगा। ये 63वां एग्जाम अटेम्प्ट है नवंबर 20, बियॉन्ड नहीं आएगा। बस जो हम कह रहे हैं वो बेटा करके चले जाओ। तो क्या करना है समझे आप बताओ मुझे। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या करना है हमें। के आर दिलीप हैज ऑल्सो ज्वाइंट। बेटा आपकी साउंड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई दिलीप, चैट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके वेरी गुड दाम। सो वी आर डूइंग बिजनेस कैटेगरी ऑफ फ्लो चार्ट्स। श्रेया भी आ गई, सोनू भी आ गई, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। शिवम भी आ गए। यस बेटा एनीबडी, क्या समझे क्या करना है इसमें, सवाल आपके सामने, समझना इंपॉर्टेंट है फिर बनाया जाता है। कस्टम ड्यूटी ऑफ ईच कैटेगरी निकालना, ऐसा विनय ने कहना है। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करना है हमें इसमें। तो चलो आओ आपको सवाल करवाते बेटा। फ्लो चार्ट के सिंबल से आप अच्छे से वाकिफ हैं, मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा। एवरीबडी ऑफ यू विच इज अटेंडिंग दिस क्लास मस्ट बी नोइंग दीज सिंबल्स। ऐसा तो नहीं है कि फ्लोचार्ट के सिंबल ही नहीं पता है और आप क्लास में आए आज। मैं मान के चलता हूं फ्लोचार्ट सिंबल आप जानते हैं, ठीक है चलें। तो बेटा मैं बता रहा था आपको कैसे बनेगा। आइए बेटा दिखाते हैं कैसे बनेगा। फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है बेटा स्टार्ट। तो हम लोग शुरू करेंगे स्टार्ट से। कलर मैं ले लेता हूं रेड स्टार्ट। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं थिक ताकि अच्छे से दिखाई दे स्टार्ट। और स्टार्ट के लिए हम बनाते हैं बेटा टर्मिनल सिंबल। सेकेंड स्टेप होता है CAWL विच मीन्स क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपनी पुरानी जितनी मेमोरी में डेटा था उसको क्लियर कर रहे हैं ताकि एक नए प्रोग्राम में वो कहीं भी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जैसे कैलकुलेटर में नई कैलकुलेशन करने से पहले हम सी या सी बटन दबा के क्लियर कर देते हैं, वैसे ही एक नया फ्लो चार्ट बनाने से पहले वी विल डू द CAWL क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। मैथमेटिकल में भी था, बिजनेस में भी है, एरे में भी करेंगे। उसके बाद बेटा आया करता है अब इनपुट क्या किया जाए। तो बेटा इस सवाल में इनपुट क्या करेंगे,
ए करेंगे के, ए करेंगे वी। सर ये के और वी क्या है ये जरा बताएं हमें। बेटा के और वी क्या है ये हम डिफाइन करेंगे बाहर। बाहर क्यों डिफाइन करेंगे, ये फ्लोचार्ट का हिस्सा नहीं होता है, ये हमें बाहर डिक्लेयर करना पड़ता है। हमें दिया गया है के का मतलब यहाँ कैटेगरीज है और वी का मतलब यहाँ वैल्यू ऑफ गुड्स है। क्लियर है बेटा सभी को? अच्छा प्रॉपर विजिबल हो रहा है कि थोड़ा और ब्रॉड करूं उसे, जूम करूं थोड़ा और? अब बेटा हम सवाल पूछेंगे, क्या हमारी कैटेगरी वन है? अगर कैटेगरी वन यस कहा जाता है तो हम कहेंगे ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हमारा वेरिएबल है वो है वैल्यू ऑफ गुड्स इनटू 0.1 10%। ऐसा ही कहा है हमारे को सवाल में बेटा, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो जूम कर लें थोड़ा सा, बच्चे कह रहे हैं। ओके ओके हर्षवर्धन, जूम कर दिया हमने बेटा। देखो स्टार्ट किया CAWL किया, इनपुट किया के और वी को, उसके बाद के इक्वल टू 1 पूछा, अगर उसने यस कहा तो सी ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी वैल्यू इनटू 0.1 10% से निकाल दिया। अगर ये नो कहता है तो नो कहते ही हमारा अगला सवाल शुरू हो जाएगा। इफ के इक्वल टू 2, कैटेगरी इक्वल टू 2, अगर ये यस करता है तो बेटा सी ड्यूटी हो जाएगी हमारी 0.15। नो करता है तो बेटा अगला सवाल आएगा हमारा, इफ के इक्वल टू 3, यस करता है तो हम कहेंगे सी ड्यूटी इक्वल टू वैल्यू इनटू 0.2। अगर इसमें भी बेटा नो करता है, इसमें भी नो करता है तो हम अगला सवाल पूछेंगे, इफ के इक्वल टू 4, यस करता है तो बेटा हो जाएगा सी ड्यूटी इक्वल टू वैल्यू इनटू 0.4। और अगर नो करता है मतलब 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो बेटा क्या कहेंगे इसको, कुछ गलत इनपुट कर दिया होगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहां एक मैसेज प्रिंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट इनवैलिड, इनवैलिड कोटेशन मार्क के अंदर इनवैलिड कैटेगरी इनपुट, कि आपने कुछ इनपुट वैलिड नहीं किया है, इनवैलिड कर दिया है, और इसको उसी सिंबल में डालेंगे जिसमें इनपुट को डाला है। ये इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल है, इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड आउटपुट ऑन मॉनिटर स्क्रीन। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे कि इसको कहीं जाना पड़ेगा, सर इसको जाना पड़ेगा ठीक करने के लिए, दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा, तो दोबारा ऊपर लाएंगे हम इसे। कहां लाएंगे बेटा, इसको वापस ऊपर लाएंगे इनपुट पे, ताकि ये फिर से सही इनपुट कर सके। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया, क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इन सबको जोड़ा जाएगा और आगे बढ़ेंगे। मैं केवल इस लॉजिक की बात कर रहा हूं जो आपने अभी देखा, कि अगर इनवैलिड होता है तो वापस वैलिड करने के लिए दोबारा इनपुट पे जाता है। क्या आपको बात समझ में आई, फटाफट से एक रिएक्शन दे दो या चैट बॉक्स में लिख दो यस सर यस सर यस सर, तो मुझे पता चले आप मेरी बात को समझ रहे हैं। पूनम कह रही है यस सर, बाकी कौन क्या कह रहा है जल्दी बताएं। विनय कुमार ने रिएक्शन दे दिया, आप रिएक्शन भी दे सकते हैं, हाथ का निशान, आप अपने जूम पे जाइए, रिएक्शन वाले बटन पे क्लिक करिए, बहुत सारे इमोजीज आते हैं उस पर हाथ का निशान लगा दीजिए, या तो ऐसे रिएक्शन दे दो या लिख के बता दो बेटा। परशुराम कह रहे हैं यस सर, विनय ने कह दिया, बाकी का क्या कहना है, आयशा खान, फैज के आर, दिलीप, सोनू, मानसी, रोहन, प्रद्युमन ने दे दिया, सुशील, पूनम, शिवम, क्या कहना बेटा बच्चा आप लोगों का, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये जो बड़ा फ्लोचार्ट आप सीख लेंगे ना हमसे,
इसके कभी इसके बाद कभी भूलोगे भी नहीं। पिछले 31 सालों से बेटा मैं पढ़ा रहा हूं उसको, लेकिन इससे भी पहले मैं पढ़ता था तो बेटा मैंने अपने कॉलेज में से पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है, तो 4 साल तो बेटा मैंने भी इसे सीखा है, तो 35 साल हो गए बेटा, 31 साल आपको पढ़ाते हुए, 4 साल मेरे को उसको प्रैक्टिस करते हुए। तो बत्रा सर के साथ बेटा ये उनका एक स्ट्रांग पॉइंट है, फोर्टे है कि फ्लो चार्ट बेटा हमने करा दिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मेरे को बेटा पुराने पुराने पेड़ से पढ़ाए हुए स्टूडेंट मिलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोलते हैं सर वो फ्लो चार्ट आज भी हमारे को याद है, बैंक में वो सर्व करते हैं तो कभी उनके सामने बैंक का मैनुअल आ जाता है और फ्लो चार्ट आता है तो तुरंत से समझ लेते हैं। तो बेटा बैंक ऑडिट पे जाओगे तो काम आएगा, अकाउंटिंग का प्रोसेस करोगे, ऑडिटिंग करोगे तो ये सब फ्लो चार्ट काम आने वाले हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं, आपने रिएक्शन दे दिया बहुत अच्छी बात, अब ड्यूटी निकल चुकी है तो क्या करना चाहिए, जब ड्यूटी निकल चुकी है तो इसे प्रिंट करना चाहिए, तो हम पेपर पे प्रिंट करते हैं क्योंकि फाइनल आउटकम पेपर पे आता है, इसलिए हम लिखेंगे प्रिंट सी ड्यूटी, क्योंकि वेरिएबल सी ड्यूटी है प्रिंट करने का। ये तो केवल एक ट्रांजेक्शन की ड्यूटी प्रिंट हुई है, हमें न जाने कितने ट्रांजेक्शन की ड्यूटी प्रिंट करनी है, हमें पता नहीं है कहां तक जाना है, इसलिए हम एक स्टॉपिंग कंडीशन लिखेंगे, इफ लास्ट ट्रांजेक्शन इक्वल टू यस तो हम लोग एंड कर देंगे, और अगर ये नो करता है कि लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं इसके बाद भी और ट्रांजेक्शन है तो हम ऊपर जाएंगे। सर ऊपर कहां जाएंगे, बेटा फिर से इनपुट पे जाएंगे। तो सर इनपुट पे दो तरीकों से आ सकते हैं, बिल्कुल बेटा दो तरीकों से आ सकते हैं, एक जब आप गलत करेंगे तो उसको सही करने के लिए आएंगे, एक अगर अगला ट्रांजेक्शन लेना है तब भी आएंगे। सो दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट, बिजनेस कैटेगरी फ्लो चार्ट बिफोर यू। बेटा समझ में आया क्या आप लोगों को, जल्दी से मुझे बताएं, आपने नोट डाउन कर दिया होगा और नहीं किया होगा तो फटाफट से नोट डाउन कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। विनय कह रहा है मैंने कर लिया, उसने रिएक्शन दे दिया। बेटा नीचे टिकर में, हमारे इस वीडियो के नीचे टिकर में आपको हमारी वेबसाइट भी नजर आ रही होगी और हमारा चैनल भी नजर आ रहा होगा, ठीक है, और कॉपी किताब के बारे में जानकारी बेटा हमने आपको दे ही दी है, तो आप फर्दर इनको रेफर कर सकते हैं डिफरेंट वीडियोस के लिए। आपको हमारे चैनल पे बेटा मोर देन 175 वीडियोस मिलेंगे डेडिकेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ ESSM एंड ITSM, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है बेटा, बहुत फ्री रिसोर्सेज पड़े हैं, आप विजिट करें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, प्रोफेसर JS बत्रा ESSM ITSM और इसका गुरु। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके साथ साथ अगर आपको पसंद आता है तभी मैं कह रहा हूं, अगर पसंद आए तो फिर बेटा इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बेटा शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। चलो तो लोगों ने बना लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसको समझने में। अब बेटा मैं एक डमी डेटा के साथ इसको चेक करा देता हूं कि यह सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आओ बेटा साइड बाय साइड मैंने दो चीजें रखी है और एक डेटा के साथ चेक कर रहा हूं बेटा, आपको नजर आ रहा होगा मैंने एक टेबल बना रखी है बेटा, आपकी स्क्रीन पे बेटा टेबल देखें सभी लोग, मैं दोनों को साइड बाय साइड रखा है बेटा। टेबल है मेरे पास में KV और प्रिंट ड्यूटी की। बेटा पहले में मैंने लिया है कैटेगरी में K1 और वैल्यू है 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, तब क्या होगा 5000 रुपीज पे क्या होगा 6000 पे क्या होगा 3000 पे क्या होगा। आओ बेटा कैलकुलेट करते हैं अपन। हमने सबसे पहले के डाला 1 और वैल्यू डाली 1000 रुपीज। पहला कंडीशन फ्लो चार्ट में देखो क्या है, इफ के इक्वल टू 1 यस इट इज, तो बेटा ड्यूटी निकालेंगे, सी ड्यूटी इक्वल टू वैल्यू इंटू 0.1, तो कितना हो गया बेटा 1000 रुपए का 10% होता है 100 रुपीज, 100 रुपीज होते ही बेटा ये सीधा प्रिंट ड्यूटी करना चला जाएगा, तो प्रिंट कितना हो जाएगा बेटा 100 रुपीज प्रिंट हो जाएगा, पहला प्रिंट हो गया। क्या ये लास्ट ट्रांजेक्शन है? नहीं सर, अभी तो 4 ट्रांजेक्शन और टेबल में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हमें और बनाना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, लास्ट ट्रांजेक्शन में नो करते हुए दोबारा ऊपर आएंगे। ऊपर कहां आएंगे बेटा, इनपुट के और वी पे आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या, जल्दी से मुझे बताएं बेटा। हेमंत गहलोत ने ज्वाइन कर लिया हमें, वेलकम हेमंत, गुड इवनिंग, वेलकम टू बत्रा सर शो ऑन कॉपी किताब प्लेटफॉर्म, इंडियाज लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल बुक्स एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ईच एंड एवरी इन दिस पेंडेमिक टाइम।
तो मैं मान के चलता हूं बेटा ये पहला क्रिएशन आपको समझ में आया होगा, उसके बाद दोबारा इनपुट करेंगे, इस बार इनपुट होगा 2 and 2000, के इज 2 एंड वी इज 1000 रुपीज बेटा, ठीक है। तो उसके बाद बेटा हम करेंगे सवाल फिर से पूछना शुरू। श्रावणी ने फिर से ज्वाइन कर लिया है आफ्टर ए ब्रेक, तो बेटा के इस बार 1 नहीं है, इस बार के है 2, तो कस्टम ड्यूटी हो जाएगी वी इंटू 0.15, मतलब 2000 का 15% कितना हो जाएगा बेटा 300 रुपीज। प्रिंट कर देंगे बेटा उसको, पूछेंगे क्या है लास्ट ट्रांजेक्शन है, कहां सर अभी तो 3 और है, नो करके ऊपर जाएंगे, फिर से इनपुट करेंगे के और वी, इस बार 5 and 5000 किया बेटा। कंडीशन पूछना शुरू करो, क्या के 1 है, नहीं, 2 है, नहीं, 3 है, नहीं, 4 है, नहीं, तो बेटा क्या होगा फिर, प्रिंट होगा बेटा इनवैलिड कैटेगरी इनपुट, इनवैलिड कैटेगरी इनपुट लिखा हुआ आएगा, स्क्रीन पे फ्लैश करेगा और दोबारा से ये इनपुट पे ले जाएगा हमें। अगली बार हम इनपुट करेंगे बेटा 6 and 6000, फिर इसी तरीके से वो नीचे आके प्रिंट कर देगा इनवैलिड कैटेगरी, क्योंकि ना वो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, तो वो इनवैलिड हो गया बेटा। फिर से हम ऊपर आए, इस बार हमने इनपुट किया 3 and 3000, पूछा क्या के 1 है, नहीं, 2 है, नहीं, 3 है, यस, यस करते बेटा ड्यूटी निकाली 20% से, तो 3000 का 20% होता है बेटा 600 रुपीज बेटा प्रिंट हो जाएगा। हम पूछते हैं क्या ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, यस सर इट वाज लास्ट ट्रांजेक्शन बेटा, हम एंड कर जाएंगे। इस तरीके से हमने बेटा सवाल का फ्लो चार्ट बनाना सीखा और बेटा एक डमी डेटा से इसे चेक करना सीखा। अगर इस डमी डेटा से फ्लो चार्ट में कुछ गड़बड़ आती है, कैलकुलेशन मिस्टेक आती है, तो हम क्या करेंगे फ्लो चार्ट में जाके लॉजिक को ठीक करेंगे बेटा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा अपन, इस प्रोसेस को कहते हैं ड्राई रन, क्योंकि हम कंप्यूटर प्रोग्राम में डेटा नहीं डाल रहे, हम लोग फ्लो चार्ट जो पेपर पे बना है उसी में इसको चेक कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं ड्राई रन, इट इज नॉट वेट रन, ये गीला रन नहीं है, सूखा सूखा रन है, क्योंकि हम फ्लो चार्ट पेपर पे चेक कर रहे हैं टेबल के माध्यम से, सो दिस इज ड्राई रन। और अगर कोई गलती पता चलती तो बेटा उसको कहते हैं बग, और बग को रिमूव करने के प्रोसेस का नाम है डीबगिंग, तो बेटा इसको कहते हैं ड्राई रन एंड डीबगिंग। क्या कहते हैं बेटा, ड्राई रन एंड डीबगिंग कहते हैं बेटा। बात आई क्या सबको समझ में, जल्दी से बता दो बेटा, चैट बॉक्स में लिख के बता दो, रिएक्शन दे के बता दो। प्रद्युमन ने सबसे पहले रिएक्शन दिया, उसे समझ आ गया, और कौन बता रहा बेटा, किसको समझ में आया या नहीं आया। ये सारी क्लासेस जो लाइव आप देख रहे हैं, इन क्लासेस के बाद बेटा हमारे ऑफिशियल चैनल पे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती हैं। विनय ने भी रिएक्शन दे दिया बेटा, और कौन क्या कह रहा है जल्दी बताएं बेटा। मुकुंद राठी जुड़ गए बेटा, रोहन कूल कुछ बोल नहीं रहा है, पूनम, सुशील, परशुराम, शिवम, आदिति अग्रवाल, श्रावणी ने भी दे दिया है अपना रिएक्शन। बाकी बच्चों का क्या कहना है बेटा, आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं करना है, जूम के रिएक्शन बटन जो नीचे दिखाई दे रहा है उस पर जाइए, और जाने के बाद बेटा एक हैंड रेज कर दीजिए, मतलब आपको समझ में आ गया, इतना तो कर ही सकते हैं, सो दैट मुझे लगे क्लासेस मेरी इंटरेक्टिव है, बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो वाकई लाइवली बच्चे हैं, वन वे नहीं है कि बत्रा सर बोल रहे हैं और आप प्रवचन सुन रहे हैं, इट शुड बी टू वे। परशुराम कह रहा है यस सर, पूनम कह रही है यस सर, बाकी उन्हें रिएक्शन दे दिया, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ये है बहुत अच्छी बात। तो आपने बिजनेस कैटेगरी को बनाना समझा, आइए बेटा इसका वेरिएशन बताता हूं मैं। अगर यही सवाल होता मेरा बच्चा, अगर यही सवाल होता और आपको कहा जाता, अगर यही सवाल होता और आपको कहा जाता, इसके साथ साथ क्या कहा जाता, इसके साथ साथ आपको यह भी कहा जाता यहां पे, ऑल्सो प्रिंट सम ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटी, तो क्या करना पड़ता। अगर इस सवाल को मैं ये और जोड़ दिया जाता, ऑल्सो प्रिंट द सम ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटी, तो बेटा फिर क्या हो जाता, हमें अब यह सीखना है। तो क्या करना पड़ेगा, कौन मुझे बताएगा, Who will tell me? कौन मुझे बताएगा क्या करना पड़ेगा? Who will tell me? कौन मुझे बताएगा क्या करना पड़ेगा? कौन मुझे बताएगा बेटा, वॉट शुड बी डन, क्या करना पड़ेगा? सवाल वही है बेटा, केवल एक चीज जुड़ गई है, ऑल्सो प्रिंट द सम ऑफ ऑल द कस्टम ड्यूटी, ये जो आप इंडिविजुअल ड्यूटी निकाल रहे थे उन सबको मुझे जोड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
श्रावणी बता रही है CAWL के बाद एक स्टेप लेना पड़ेगा, सम ऑफ ड्यूटी इक्वल टू जीरो, ताकि आप सारी ड्यूटीज को जोड़ने का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकें। वेरी गुड श्रावणी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। और क्या करना पड़ेगा, कोई कंडीशन पूछनी पड़ेगी या प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी और फिर कुछ और प्रिंट करना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं बेटा देखो जरा। विनय बता रहे हैं हमारे को एक स्टेप लिखना पड़ेगा, सम ऑफ ड्यूटी, सम ऑफ कस्टम ड्यूटी इक्वल टू सम ऑफ कस्टम ड्यूटी प्लस सी ड्यूटी, और इसके साथ साथ उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। वेरी गुड विनय, तो श्रावणी और विनय ने मिलके तो इस सवाल को सॉल्व ही कर दिया, मतलब तीन स्टेप होंगे। इसी फ्लो चार्ट में हमें तीन जगह चेंजेस करने पड़ेंगे, इसी फ्लो चार्ट में हम तीन जगह चेंजेस करेंगे बेटा। एक सम कस्टम ड्यूटी के लिए डिक्लेयर करेंगे जीरो, एक हम क्या करेंगे बेटा सम इक्वल टू सम प्लस कस्टम ड्यूटी की प्रोसेसिंग करेंगे, और तीसरा बेटा प्रिंट करेंगे। सर वर्बली मत समझाओ ना, हमें फ्लो चार्ट में दिखाओ ना, तो आओ बेटा फ्लो चार्ट में दिखाता हूं मैं आपको। ये अभी हमने बनाया था बेटा फ्लो चार्ट, पता है सभी को। तो बेटा इसमें ये जो आ रही और CAWL है यहां पे बेटा, यहां पे कलर चेंज कर देता हूं मैं, यहां पे बेटा हम चेंज करेंगे और एक प्रोसेसिंग स्टेप बनाएंगे और उसमें लिखेंगे बेटा हम लोग सम डी इक्वल टू जीरो। सर ये किसने लिखा, क्योंकि बेटा इस वेरिएबल में सारे कस्टम ड्यूटी को जोड़ा जाएगा, समझ में आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप हो जाएगा स्टार्ट, सेकंड स्टेप हो जाएगा CAWL, थर्ड स्टेप हो जाएगा सम डी इक्वल टू जीरो, फिर एरो जाएगी इनपुट में, और ये जो बेटा एरो इनवैलिड से और नीचे लास्ट ट्रांजेक्शन से आ रही है वो सम डी के नीचे आएगी, सम डी के नीचे आएगी, सम डी इसके ऊपर रहेगा। समझ में आ रही है बेटा बात सभी को, रिएक्शन दे दो या कुछ लिख दो बेटा, ताकि आपको पता चले और मुझे भी पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंची। श्रावणी ने रिएक्शन दे दिया, बाकी विनय ने भी दे दिया, चलिए मतलब बात समझ में आ रही है सभी को। सेकंड बेटा चेंज लाएंगे यहां पे, सेकंड चेंज लाएंगे यहां पे, यहां पे हम लिखेंगे बेटा सम डी इक्वल टू सम डी प्लस सी ड्यूटी, यहां पे बेटा एक स्टेप लिखेंगे सम डी इक्वल टू सम डी प्लस कस्टम ड्यूटी, ठीक है बेटा, सम डी कोल्ड सम डी प्लस कस्टम ड्यूटी लिख देंगे बेटा, और उसके नीचे आपका ये प्रिंट का तो ऐसा कैसे ही रहेगा, आपका ये प्रिंट का जो है वो तो ऐसा कैसे ही रहेगा, केवल एक स्टेप ऊपर आ जाएगा सम डी कोल्ड टू सम डी प्लस कस्टम ड्यूटी। सर इसको प्रिंट कहां करेंगे, बहुत अच्छा सवाल बेटा, इसको प्रिंट यहां एंड करने से पहले करेंगे, इसको प्रिंट यहां बेटा एंड करने से पहले करेंगे, क्या लिखेंगे सर यहां पे, यहां पे हम बेटा लिखेंगे प्रिंट सम डी, तो ये तीन चेंजेस बेटा होंगे, देख लो जरा सभी लोग दोबारा से, CAWL के नीचे और इनपुट के बीच में यहां पे सम डी इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज होगा, ताकि सारी ड्यूटीज का वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाए, उसके बाद प्रिंट करने से पहले या प्रिंट करने के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कंडीशन जो आ रही है ना लास्ट ट्रांजेक्शन, उससे पहले होना चाहिए कहीं भी, आप चाहें तो इसको सी ड्यूटी से पहले ले ले प्रिंट के, या उसके बाद ले ले, कहीं भी आप इसको जोड़ ले, प्रोसेसिंग स्टेप सम डी इक्वल टू सम डी प्लस सी ड्यूटी, और बेटा उसके बाद में आप जहां पे लास्ट ट्रांजेक्शन करके यस करते हैं वहां इसको प्रिंट कर दे, प्रिंट सी प्रिंट सम डी मतलब सारी ड्यूटीज का जोड़, और उसके बाद एंड कर दे, तो बेटा ये तीन चीजें जोड़ने से हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है, और इसमें हमने इंडिविजुअल ड्यूटी भी निकाली और हमने सम ऑफ ऑल द ड्यूटीज भी निकाल दी। होपफुली अब आपको ये सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। यस दिलीप, गुड इवनिंग बेटा। तो ये था बेटा पूरा सवाल जो आपने एक नए एंगल से समझा, एक नए एंगल से समझा। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस, या आप सब समझ गए तो हम आगे चले इससे।
रुद्युमन कह रहा है समझ में आ गया, मुझे रिएक्शन दे दिया उसने। श्रावणी ने भी यस सर कर दिया, विनय ने भी कर दिया, पूनम ने भी इस बार कर दिया। बाकी बच्चों का क्या कहना है? परशुराम, शिवम, सुशील, रोहन, कुल, दिलीप, क्या कहना है? परशुराम ने भी यस सर कर दिया, शिवम, सुशील एंड दिलीप, रोहन, कुल, आदित्य अग्रवाल बोल ही नहीं रहे बिल्कुल। कुट्टा हो क्या भाई बत्रा सर से? जल्दी जल्दी बोलो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने या दोबारा बना लिया होगा? आप बेटा बीच बीच में गायब हो जाते दिलीप, आपको समझ में कैसे आएगा? आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखा करें, आपके साथ समस्या रहती है हमेशा ही। यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट एवरी टाइम वेन एवर वी हैव ए वेबिनार, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज दीज थिंग्स आर इन कनेक्शन विद ईच अदर। इफ यू आर एबसेंट फॉर हाफ एन आवर देन नथिंग विल बी अंडरस्टैंडेबल टू यू। आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर देखा करें बेटा। चलिए समझ में आ गया सभी को? दिलीप की प्रॉब्लम है, उसके साथ टेक्निकल इश्यू रहता है हमेशा, कभी उसके वॉइस की समस्या रहती है, कभी उसके साथ कनेक्शन नेटवर्क की समस्या रहती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, सो आई सजेस्टेड हिम कि वो हमारे रिकॉर्डेड देख ले, क्योंकि उसको देखने में उसे दिक्कत नहीं आएगी, लाइव जुड़ने में कई बार दिक्कत रहती है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। चलो बेटा अब एक नया तरीका बताते हैं। अगर ये सवाल सॉल्व किया हुआ होता तो आप बताए बेटा इसमें गलतियां क्या हैं। ये रहा बेटा आपके सामने सवाल, आप मुझे बताए बेटा गलतियां कहां कहां हैं। आप मुझे बताए बेटा गलतियां कहां कहां हैं। एनीवन, ये बेटा हल किया हुआ है, दिस इज सॉल्व्ड। मुझे बताओ बेटा इसमें गलतियां कहां हैं, वेयर आर द मिस्टेक्स। आपने वो बनाना देख लिया है, ये मैं सम ऑफ ड्यूटी का नहीं ले रहा हूं, नॉर्मल कस्टम ड्यूटी निकल रहा है उसका बेटा आपके सामने ये सॉल्यूशन है। मुझे बताओ बेटा इसमें गलतियां कहां कहां हैं। ऐसा भी सवाल आ सकता है, इफ आई एम द पेपर सेटर आई कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। आई विल गिव यू द क्वेश्चन, आई विल गिव यू द राइट सोल्यूशन, आई विल गिव दिस सोल्यूशन एंड आई विल से टू द स्टूडेंट दैट मेक द करेक्ट फ्लो चार्ट ऑफ इट। गलतियां ढूंढो और सही नहीं बनाओ इसका। तो बताओ मेरे बच्चा लोग कहां गलती है। Yes, anyone? विनय कह रहा है इनवैलिड प्रिंट को भी प्रिंट कर रहा है। बिल्कुल बेटा, यहां नो के बाद में, यहां नो के बाद में ये तो होना ही नहीं चाहिए। यहां नो के बाद तो बेटा क्या होना चाहिए, इनवैलिड का वो आना चाहिए। प्रिंट इनवैलिड कैटेगरी, ये आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, यहां पे वी इंटू पॉइंट जीरो फोर पॉइंट फोर आना चाहिए 40% कैलकुलेट होने के लिए। ये बेटा स्टार्ट पे नहीं जाता, ये एरो हमेशा नीचे आता है, ये गलत है। बीच में यहां पे सी ए डब्ल्यू एल होना चाहिए। स्टार्ट का सिंबल ऐसा ओवल बनता है, एंड का सिंबल भी ऐसे ओवल बनता है। तो ये कुछ बेटा गलतियां हैं जो आपने देखी सवाल में। ड्यूटी जो भी एक्चुअल है वो प्रिंट होगी बेटा,
जीरो प्रिंट होने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, 10%, 15%, 20%, 40% ही है, बाकी सब इनवैलिड है, इसलिए ड्यूटी जीरो प्रिंट ऑप्शन नहीं होगा। क्या आप सबको गलतियां पता चल गई? स्टार्ट का सिंबल गलत है, ऊपर जो एरो कनेक्टिंग आ रही है वो ऊपर नहीं जाके स्टार्ट पे नीचे आएगी, बीच में CAWL होगा, इनवैलिड वाला काम नहीं है, गलत सलत प्रिंट कर दिया है, लास्ट ऑप्शन में इनटू पॉइंट फोर नहीं किया है, एंड वाला टर्मिनल सिंबल ठीक नहीं है, इतनी सारी गलतियां हैं और ये इंस्टीट्यूट का वर्जन है। आप सोचो जरा, अगर आप ये गलती कर दो तो हम नंबर काट ले, पर इंस्टीट्यूट को कौन कह सकता है, द बॉस इज ऑलवेज राइट, द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो हम इसकी गलतियों को ठीक कर रहे हैं बेटा, हम इनकी गलतियों को ठीक कर रहे हैं। तो अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप इतनी गलतियां ठीक करेंगे, और जब आप ठीक करेंगे तो यू विल गेट 5 to 6 marks, क्योंकि इतना सवाल आने वाला एग्जाम में। प्रद्युमन मौर्य कह रहा है यस सर, श्रावणी कह रही है यस सर, मजा आ गया। बाकी बच्चों का क्या कहना है, जल्दी से बोल दो भाई। अब शिवम ने कुछ नहीं बोला अब तक, सुशील ने कुछ नहीं बोला अब तक, आदिति ने कुछ नहीं बोला अब तक, जल्दी से बोल दो एक बार सभी लोग। समझ लिया सभी ने, रिएक्शन दे दो मेरा बच्चा, तो मैं चलूं इससे आगे। परशुराम ने कह दिया, विनय ने कह दिया, और बाकी बच्चे क्यों नहीं कह रहे कुछ भी, रिएक्शन दे दो या यस सर लिख दो। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा बेटा आपके सामने अगला सवाल, अगला सवाल, ये रहा आपके सामने अगला सवाल, 2006 नवंबर में पूछा गया सवाल बेटा, बिजनेस कैटेगरी का। पढ़िए बेटा इस सवाल को और मुझे बताइए क्या करना है इसमें, पढ़िए बेटा इस सवाल को और मुझे बताइए क्या करना है इसमें। विनय कह रहे हैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं विनय आप। और बच्चे क्या समझ रहे हैं मुझे बताएं। प्रद्युमन कह रहा है सरचार्ज भी कैलकुलेट करना है, बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने, और एजुकेशन सेस भी कैलकुलेट करना है, तीन चीजें, इनकम टैक्स कितना लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा, एजुकेशन सेस कितना लगेगा, तीन चीजें निकालनी, तीन चीजें निकालनी। बात आई क्या सबको समझ में? दिलीप कह रहा है एजुकेशन सेस और सरचार्ज भी निकालना है इनकम टैक्स के अलावा, वेरी गुड बेटा, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। और कौन क्या कहना चाहता है जल्दी से कह दो, तो फिर बत्रा सर इसको बना के दिखा देते हैं आपको। तो सभी को क्लियर हो गया, बनाए इसको अपन,
तो बेटा हम लोग बिजनेस कैटेगरी के सवाल कर रहे हैं। अब तक अपन ने एक सवाल किया है कि अगर चार कैटेगरी के हमारे को क्लासेस दे दी जाती हैं तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इस सवाल को करते हैं बेटा। इस सवाल में हमें कहा जा रहा है इनपुट करना है बेटा हमारे को इनकम को। रीड फ्रॉम टर्मिनल का मतलब होता है इनपुट करना। तो बेटा हम लोग इनपुट का निशान बना के उसमें इनकम रीड करेंगे और हम चार चीजें कैलकुलेट करेंगे, तीन चीजें राधर, इनकम टैक्स, सरचार्ज और एजुकेशन सेस। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बेटा आप समझ गए, तो बेटा इसको सॉल्व कर रखा है हमने आपके लिए। आओ देखते बेटा, चलो अभी बना देते हैं, कोई बात नहीं अभी बना देते हैं। अभी बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। लो बेटा अभी बना देते हैं, देखते जाएं आप। स्टार्ट CAWL इनपुट, या तो इनपुट लिख सकते हैं या रीड लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं आप, आइदर इनपुट और रीड। इनकम उसके बाद हम कंडीशन पूछना शुरू करेंगे जो स्लैब दे रखी है। इफ इनकम इज लेस देन इक्वल टू 1 lakh rupees Yes, कहता है तो उन्होंने लिखा है टैक्स नहीं है, हम लिखेंगे आई टैक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोग नो या निल नहीं लिख सकते, हमें उसका फिजिकल वैल्यू लिखना होता है, हमें उसका फिजिकल वैल्यू लिखना होता है। बनाते चले बेटा साथ साथ, बनाना पड़ेगा इसको साथ साथ, बनाते चले बेटा साथ साथ, साथ साथ बनाना है इसको। नो कहता है तो बेटा हम पूछेंगे अगला सवाल। इफ इनकम इज लेस देन इक्वल टू 1,50,000 यस कहते हैं तो बेटा हम निकालेंगे इनकम टैक्स इक्वल टू, अब बेटा हमारे को जो स्लैब दे रखी है उसकी कैलकुलेशन दे रखी है, 1 lakh rupees तक टैक्स नहीं है, लेकिन 1 lakh rupees से ज्यादा जो अमाउंट है उसके ऊपर 10% है, तो बेटा हम लिखेंगे ब्रैकेट में इनकम माइनस 1 lakh। इनकम में से 1 lakh क्यों घटाया, क्योंकि 1 lakh rupees तक टैक्स ही नहीं है, इनटू 0.1। बात समझ में आ रही है बेटा, पहले वाले में तो टैक्स ही नहीं लगा क्योंकि 1 lakh तक की लिमिट थी हमारे को, तो पहले में लगता ही नहीं टैक्स। हर स्लैब में ऐसा ही है, 2006 में ये स्लैब चलती थी, आज कुछ और स्लैब चलती है। अगर आज सवाल आएगा तो आज की स्लैब पे आएगा, पर फिगर ही तो चेंज होंगे, तरीका तो नहीं बदलेगा ना बेटा। नो करता बेटा, तो हम अगला सवाल पूछेंगे। इफ इनकम लेस देन इक्वल टू 2,50,000 यस करता है तो बेटा हम करेंगे इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम माइनस 1,50,000 इनटू कितना बेटा 20% और 5,000 rupees और। सर ये 5,000 काय के हैं बेटा, पहली वाली स्लैब के हैं ना, फर्स्ट स्लैब के हैं बेटा, फर्स्ट स्लैब के हैं। 1 lakh से लेकर 1.5 lakh के बीच में 50,000 rupees, 50,000 rupees का 10% 5,000 rupees, वो वाले 5,000 आएंगे। अब बेटा नो करता है तो जब वो कहता है इनकम 2.5 lakh से नीचे नहीं है, 2,50,000 से नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियस क्या है, इनकम इज मोर देन 2,50,000। ऑब्वियस हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो लास्ट क्वेश्चन डायमंड नहीं पूछा जाएगा, वो सीधा ही नो में एक्शन ले लिया जाएगा। अगर हम किसी को कह देते हैं यू आर नॉट इंटेलिजेंट, तो फिर उसको ब्लंटली थोड़ी कहते हैं बेवकूफ है क्या तू,
ऐसा नहीं कहते हम कहते हैं इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब समझ लेना चाहिए वो बेवकूफी है, तो हम ब्लंटली नहीं कहते। इसी तरीके से हमने कह दिया अगर वो 250 से नीचे नहीं है तो ऑब्वियसली बेटा वो 250 से ऊपर ही होगा, तो सीधा एक्शन लेंगे बेटा, सीधा एक्शन लेंगे। क्या एक्शन होगा बेटा? इनकम टैक्स इक्वल टू 5,000 रुपीज तो पहला है, 20,000 रुपए दूसरा होगा, तो टोटल 25,000 लिख देता हूं मैं, 25,000 पहली दो स्लैब का, प्लस इनकम माइनस 2,50,000 इंटू 0.3 इंटू 0.3 और बेटा ये जाके मिलेगा यहां पे, ये जाके मिलेगा यहां पे, और इसको घुमा के यहां लाएंगे तो आपने सारा इनकम टैक्स निकाल लिया बेटा, आपने सारा इनकम टैक्स निकाल लिया। अब क्या किया जाए बेटा? अब सरचार्ज की कैलकुलेशन करें, तो उसके लिए एक सवाल और आएगा, इफ इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख रुपीज, एक्सीड कहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख रुपीज, अगर ये यस कहता है तो बेटा सरचार्ज के लिए वेरिएबल SUR ले लिया अपन ने, इक्वल टू इनकम टैक्स जितना निकला है इनटू 0.1 10% हो गया बेटा, 0.1 10% हो गया। अगर ये बेटा नो कहता है तो मतलब कुछ भी नहीं होगा बेटा, अगर ये नो कहता है तो कोई सरचार्ज नहीं निकलेगा, और उसके बाद बेटा सरचार्ज नहीं निकलेगा, और उसके बाद अब हम एजुकेशन सेस निकालेंगे जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं पूछनी है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एजुकेशन सेस इक्वल टू इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। सर इनकम टैक्स में सरचार्ज क्यों जोड़ा? क्योंकि एजुकेशन टैक्स टोटल टैक्स पे लगता है बेटा, तो टोटल टैक्स कितना हो चुका है अब तक? इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों मिला के बेटा। अब क्या करेंगे? अब इसे प्रिंट करेंगे बेटा। क्या क्या प्रिंट करेंगे? इनकम टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, सब प्रिंट हो गए बेटा। अब हम क्या करेंगे? पूछेंगे क्या ये लास्ट पर्सन है जिसका इनकम टैक्स निकालना था? अगर वो यस कह देता है तो हम लोग एंड कर देंगे, और अगर वो नो कहता है तो बेटा हम आगे फिर से इनकम टैक्स निकालने के लिए जाएंगे, अगले पर्सन का इनकम टैक्स निकालने जाएंगे। सर कहाँ जाएंगे? सर कहाँ जाएंगे बेटा? इनकम जहां इनपुट हो रही है वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। सो दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट बेटा, दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट, देख ले बेटा एक बार, सभी लोग इसको बना भी लें अगर आपने नहीं बनाया है तो। स्टार्ट करेंगे CAWL करेंगे, इनपुट इनकम करेंगे बेटा, उसके बाद इनकम लेस देन इक्वल टू 1 लाख रुपीज है तो इनकम टैक्स जीरो कर देंगे, और 1,50,000 तक है तो इनकम में से 1 लाख घटा के 10% कर देंगे, 2.5 लाख तक है तो 5,000 रुपए प्लस इनकम माइनस 1.5 लाख कर देंगे, और अगर 2.5 लाख से कम नहीं है तो लास्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो ऑब्वियस होता है। अच्छा, इनकम कभी इनवैलिड नहीं होती, अमाउंट कभी इनवैलिड नहीं होता, कैटेगरी इनवैलिड हो सकती है, सीजन इनवैलिड हो सकता है, और चीजें इनवैलिड हो सकती है, पर अमाउंट और टैक्स ये कभी इनवैलिड नहीं होते बेटा। तो लास्ट निकल जाएगा 25,000 प्लस इनकम माइनस 2.5 लाख रुपए इनटू 0.30%। उसके बाद हम बेटा क्या करेंगे? निकालेंगे बेटा सरचार्ज की कैलकुलेशन, इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख तो सरचार्ज हो गया बेटा 10%, और उसके बाद एजुकेशन सेस निकाल लिया, उसके बाद सबको प्रिंट कर दिया, और फिर लास्ट ट्रांजेक्शन पूछा तो एंड कर दिया, नो है तो वापस इनपुट कर दिया। क्या मेरा बच्चा लोग आपको सवाल समझ में आया क्या? जल्दी बताएंगे। प्रद्युमन कह रहा है बिल्कुल सर समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, श्रावणी भी कह रही है, बाकी जल्दी बताए बेटा मुझे। तो बेटा लीजिए ये था फ्लो चार्ट। अब इसमें एक वेरिएशन हो सकता है, ये जो इनकम टैक्स निकला है बेटा, मैं कह सकता हूं सारे लोगों का इनकम टैक्स जोड़ के बताओ, तो वही 3 वेरिएशन करने पड़ेंगे। ऊपर हम करेंगे सम ऑफ इनकम टैक्स, तो सम i=0, और फिर बेटा यहां पे जो ये प्रिंट हो रहा है, यहां पे जो प्रिंट हो रहा है, यहां पे हम ले लेंगे सम ऑफ इनकम टैक्स इक्वल टू सम ऑफ इनकम टैक्स प्लस इनकम टैक्स, और बेटा जो यहां पे
एंड कर रहे हैं उस समय हम सम इनकम टैक्स प्रिंट कर देंगे, तीन वेरिएशन बेटा, तीन वेरिएशन आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो पहला सवाल तो ये खुद हो गया, दूसरा सवाल इसका वेरिएशन हो गया कि इसमें सम निकालना हो, और तीसरा वेरिएशन बेटा इसका जो फ्लो चार्ट बना हुआ है उसमें गलतियां क्या है वो बताओ, उसमें गलतियां क्या है वो बताओ। तो बेटा ये रहा सवाल, मुझे बताओ बेटा इसमें गलतियां क्या नजर आ रही हैं आपको, ये रहा बेटा सवाल, इसमें गलतियां क्या नजर आ रही हैं आपको। यहां एंड हो जाएगा और यहां CAWL हो जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं करना है, बाकी ठीक है। दो जगह चेंज करना है, एक CAWL ऊपर और एक एंड नीचे, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, बाकी ठीक है। ये क्या आप सब लोगों को समझ में आई बेटा बत्रा सर की बात? बत्रा सर की बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गई क्या सभी को बेटा? जल्दी बताओ। विनय बोल रहे हैं यस सर, परशुराम बोल रहे हैं CAWL नहीं है और नीचे स्टॉप लिखा है उसकी जगह एंड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही समझे बेटा आप, बिल्कुल सही समझे। अब आपको बेटा घर पे क्या करना है बेटा? आपको घर पे ये करना है कि हमारी ये जो बुक है इसको बेटा आपको डाउनलोड कर लेना है बत्रा सर ऐप से। सर एक विजिट करा दो हमारे को बेटा, अभी विजिट करा देता हूं आपको बत्रा सर ऐप की, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लो बेटा, वहां से इसको डाउनलोड कर लो बेटा गूगल प्ले स्टोर। इसमें बेटा आपको लिखना पड़ेगा बत्रा सर, BATRA बत्रा सर SIR। तो जैसे मैं लिखता हूं सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है बत्रा सर ऐप फॉर CA प्रिपरेशन, बस ये आ जाएगा। हमारा लोगो आप देख लो बेटा, कॉपी किताब ने बना रखा है इसको अपने प्लेटफॉर्म पे डीजी बुक टेक्नोलॉजी पे। ओपन करता हूं बेटा, ये आ गया बेटा आपके सामने, ये आ गया आपके सामने हमारा ऐप। पहले लिखा है CACPT, ये बेटा फाउंडेशन हो गया है। फाउंडेशन के रिसोर्सेज देखो, फिर बेटा हमारे फ्री रिसोर्सेज देखो, फाइनल किसका की बुक पढ़ी बेटा फ्री रिसोर्स में डाउनलोड करो और यूज करो बेटा। अमेंडमेंट नोट्स पढ़ा जो मई 20 में आए थे और नवंबर 20 में एप्लीकेबल है। एक 10 नंबर का सवाल तो केवल इसी से आ जाएगा। सर दिखाओ अगर 10 नंबर का सवाल इससे आएगा तो बेटा मैं बता रहा हूं आपको, ये बुक आपके सामने खुलने जा रही है बेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। देखो बेटा ये बुक खुल गई, ये फ्रंट पेज है बेटा उसका, उसके बाद इंडेक्स, उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 1 कलरफुल बुक है बेटा, और उसके बाद में 2 ऊपर बुकमार्क आप देख रहे हो बेटा, कहां तक पढ़ा बुकमार्क लगा सकते हो, और बेटा नाइट मोड में पढ़ सकते हो, प्रिंट ले सकते हो, ऐसी बहुत सारी सुविधा बेटा हमने आपको दी है इसके अंदर। फिर हिंदी में ITSM ओल्ड कोर्स की बुक पढ़ी है बेटा, आप देख सकते हो ITSM की ओल्ड कोर्स की बुक बेटा आपके सामने हिंदी में। तो बेटा आपके अगर कुछ फ्रेंड सर्कल के बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो बेटा आप उन्हें कह सकते हैं ओल्ड कोर्स की बुक पढ़ी है बत्रा सर के फ्री रिसोर्सेज में, बेटा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, पढ़ सकते हैं करीब करीब 77 पेजेस की बेटा समरी नोट्स की। उसके बाद बेटा अदर्स में जाएंगे तो आपको देखो कैलकुलस JEE IIT और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेटा नजर आते हैं। नीचे आओगे तो ई बुक्स है, स्टडी पैकेजेस है, टेस्ट प्रिपरेशन है, वीडियोज है और सेल स्टोर में लगी है बेटा। तो स्टोर में चलते हैं अपन, स्टोर में देखें CA फाउंडेशन अदर्स, हम जाएंगे बेटा अदर्स में। अदर्स में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आपको बत्रा सर नजर आएंगे बेटा, नीचे बत्रा सर पे क्लिक करेंगे बेटा तो आपके सामने बत्रा सर के रिसोर्सेज आ जाएंगे। आप देखें बेटा पहला रिसोर्स है ऑल, मतलब बुक्स है, वीडियोज है, टेस्ट प्रिपरेशन है, सब कुछ चीजें अवेलेबल है बेटा। उसके बाद ई बुक्स आप देख रहे हो बेटा, ई बुक्स आपको नजर आ जाएंगे हमारी सारी ई बुक्स। के बाद बेटा आपको सारी ई बुक्स आगे देखो। अच्छा प्राइस क्या है देखो आप, प्राइस बहुत ही कुछ नहीं है बेटा, देखो प्राइस क्या है, 141 रुपीज, 141 रुपीज, 70 रुपीज, 141 रुपीज, 426 रुपीज। ये महंगा नहीं है बेटा, है ना? प्रिंटेड बुक जो है ना उससे भी कम कीमत में मिल रहा है बेटा,
और देखो आप ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स, अच्छा ये जो किताब फ्लो चार्ट वाली जिसे मैं सवाल करा रहा हूँ ये बेटा ये पढ़ी है, फ्लो चार्ट की बुक पढ़ी बेटा ये रही, 70 रुपए में, 70 रुपीज ओनली मेरा बच्चा, 70 रुपीज में मिल जाएगी आपको ये, आप बेटा इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, फटाफट प्राप्त कर सकते हैं बेटा इसको, बात आई समझ में बेटा, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है बेटा यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में। अच्छा और क्या मिलता है 1700 रुपये बेटा, हमारे वीडियोज अवेलेबल है बेटा, ऐसा पहली बार हुआ बेटा सीए के इतिहास में कि आपको इंडिविजुअल वीडियो तक हमने अवेलेबल करवाया बेटा, आप ले सकते हैं, जैसे ऑडिट वाले चैप्टर में ओल्ड और न्यू कोर्स में चैप्टर होता है बेटा ईडीपी ऑडिट या ऑटोमेटेड बिजनेस एनवायरमेंट, तो उसका वीडियो आप 71 रुपीज में बेटा ले सकते हैं हमारे इस ऐप के माध्यम से, एक टॉपिक ही समझना हो तो ले सकते हैं, एक पूरा चैप्टर समझना है तो मल्टीपल वीडियो दोगे, जैसे सपोज करो एक चैप्टर में 5 वीडियो हैं और हर वीडियो 70 रुपीज का है तो बेटा 350 रुपीज में पूरा चैप्टर आ जाता है आपका, तो आप जो चाहे बेटा इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, हर वीडियो करीब करीब बेटा आप देख रहे हैं 71 रुपए 25 पैसे का पड़ रहा है आपको आफ्टर रिडक्शन, वैसे इसकी इंडिविजुअल कॉस्ट 100 रुपीज रखी गई थी लेकिन कॉपी किताब इस समय आपको छूट दे रहा है बेटा, तो आपको 29% करीब छूट मिल रही है, तो ये बेटा डिफरेंट वीडियोज है जिनको आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और बेटा सबसे लास्ट चीज और खास चीज, टेस्ट प्रिपरेशन अवेलेबल है जिनसे आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं, ये फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है, वहां से आप यूज कर लो बेटा, ओल्ड कोर्स EIS, ओल्ड कोर्स IT और न्यू कोर्स EIS, ओल्ड कोर्स SM, न्यू कोर्स SM, और बेटा यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं आप, बहुत सारी वेरायटी आपको मिलती है, रियल टाइम टेस्टिंग दे सकते हैं, अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं, तो बेटा बहुत कुछ चीजें है हमने कॉपी किताब पे आपकी मदद के लिए बना रखी है, इसको आज ही डाउनलोड करें और इसकी फैसिलिटी को यूज करें मेरे बच्चा लोग, आपके बड़े काम की चीज बनाइए बेटा कॉपी किताब ने, तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए। और एक टेस्ट मैं आपको फ्री रिसोर्सेज में देके दिखाता हूं बेटा, आप भी कहेंगे बहुत बढ़िया चीज बनाइए बेटा, ये रहा बेटा टेस्ट प्रिपरेशन, देख रहे हैं आप ये सब फ्री रिसोर्सेज में, आप किसी का भी उपयोग कर सकते बेटा, EIS का है, मैनेजमेंट का है, किसी का ले ले बेटा, मैं ले लेता हूं आपके लिए, जैसे ये टेस्ट ले लिया मैंने, तो बेटा टेस्ट आपके सामने आ गया लिखा हुआ बेटा, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए कैसे टेस्ट को देना है आपको, स्टार्ट क्विज करते हैं अपन, स्टार्ट द टेस्ट, सवाल आ गए हमारे सामने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेटा, अपने नॉलेज को टेस्ट करें और अपने आप को बेटर करें बेटा, विच इज इन्वॉल्व इन द फीचर ऑफ डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर, किसको हम डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर मानते हैं, साइज एंड नेचर ऑफ मार्केट, स्कोप ऑफ कॉम्पिटेटिव राइवलरी, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑल ऑफ अबव मेरी नजर में, तो बेटा इसका सही जवाब हो गया 4, उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रीवियस, इससे पिछले सवाल पे जाएं, कंप्लीट क्विज मतलब बंद कर दें और नेक्स्ट मतलब अगले पे जाएं, अगले पे चले गए, तो अपने नॉलेज को टेस्ट करते चलें, एक बार आपने को टॉपिक चैप्टर पढ़ लिया तो बेटा उसका क्विज दे दे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं लग रहे और अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका एक लीडर बोर्ड बनता है जिसमें आपको अपनी रैंकिंग पता चलती है। फिर बेटा सेकंड टेस्ट में, टेंजिबल्स आर द रिसोर्सेज आर द एसेट दैट कैन बी परसीव्ड एंड क्वांटिफाइड, अनपरसीव्ड एंड क्वांटिफाइड, परसीव्ड एंड अनक्वांटिफाइड, अनपरसीव्ड एंड अनक्वांटिफाइड, तो पहला वाला जवाब सही है। आगे चलता हूं बेटा, नेक्स्ट सवाल, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स, कॉमन स्ट्रेटजी, हाई ट्रांसपोर्ट पॉइंट, कौन सा नहीं है बेटा, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है इसका। फोर्थ, वैल्यू चेन एनालिसिस वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड एज अ टास्क और सेपरेट एक्टिविटी, किसमें, अकाउंटिंग में, पोर्टफोलियो में, कंट्रोल में, सिस्टम एनालिसिस में, कहां लाया गया था वैल्यू चेन को सबसे पहले, पोर्टफोलियो में लाया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज रेफर टू द पीरियड ओवर विच द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इज सस्टेन्ड एंड विच डिपेंड्स ऑन द रेट एट विच फर्म रिसोर्सेज, किसको मानेंगे बेटा, आप इसका कुछ गलत जवाब दे देते हैं इमिटेबिलिटी जैसे, तो मैं कंप्लीट कर रहा हूं क्विज को, आप देखेंगे ये आ गया बेटा रिजल्ट एनालिसिस का मेरे सामने, क्या कह रहा है, टोटल मार्क्स 100 थे, मतलब 100 क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, आपने सेकंड टेस्ट दिया इसका आज 11 सितंबर को, डेट और टाइम आ जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, आपने 3 अटेंड किए, 4 अटेंड किए, 5 अटेंड किए, 3 सही थे, 2 गलत थे, और 95% आपने जो है जवाब दिए ही नहीं, और आप पूरा रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो नीचे व्यू रिजल्ट पे क्लिक कर दें, आपको बेटा पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। बात आई क्या कुछ समझ में मेरे बच्चा लोग, बात आई क्या आपको समझ में, यस सर, तो ये मेरे बच्चा लोग बात थी, और आप ऐप को रेट कर सकते हैं, आपकी नजर में आपका ऐप कैसा है तो आप जरूर रेट करिए बेटा इस ऐप को। तो ये था बेटा 1700 ऐप जिसको आपने देखा विजिट करते हुए, तो कैसा लगा बेटा आप लोगों को, ये कैसा लगा मुझे जल्दी से बताएं बेटा, कैसा लगा आपको,
कैसा लगा जल्दी से बताए बेटा, कैसा लगा जल्दी से बताए। तो बेटा आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं बेटा, आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड स्टडी हार्ड। और अगर आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आती हैं तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेटा दूसरे लोगों तक भी फैलाएं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। कल मिलते हैं बेटा दोबारा से शाम को जब घड़ी बजाएगी बेटा 6:32 होंगे आपके साथ अगली कैटेगरी एरे करने के लिए। थैंक यू वेरी मच बेटा,